गांधी सेतु से समानांतर बनेगा पुल। बिहार में गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक और पुल बनने जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाला यह पुल 4 लेन होगा। पुल निर्माण की मंजूरी केंद्र सरकार के PIB यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दे दी है। इस पर करीब 2961 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इस पर करीब 2961 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत होने के कारण PIB से इसकी मंजूरी जरूरी थी। साथ ही केंद्रीय पथ मंत्रालय ने इस वर्ष के प्लान में इस पुल को शामिल करते हुए इसके लिए 3000 करोड़ की व्यवस्था भी कर दी है। बता दें कि इस पुल निर्माण की योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज में शामिल था। चिरैया टार पुल की तरह होगा लुक। पुल के निर्माण पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है, लिहाजा अब इसका DPR बनाने की जिम्मेवारी केंद्रीय संस्थान इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग को मिली है। यह पुल एक्स्ट्रा डोज तकनीक से बनेगा। इस कारण गांधी सेतु के पैरेलल बनने वाला यह पुल बिल्कुल चिरैया टार पुल जैसा दिखेगा। 8 लेन पुल से करेंगे गंगा पार। राज्य सरकार ने इस पुल को निर्माणाधीन गंगा पथ से भी जोड़ने का प्लान बनाया है। इसके अलावा पुल का स्पैन 242 मीटर होगा और ऊंचाई गंगा के अधिकतम जल स्तर से इतनी अधिक होगी कि नीचे से किसी पानी वाले जहाज को गुजरने में परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी सेतु और नया पुल दोनों सटा होगा। इस कारण गंगा पार करने के लिए बिहारवासियों को अब जल्द ही 8 लेन का पुल मिलेगा। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।